नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस पर 28 सितंबर को मैराथन का आयोजन किया जाएगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मीडिया से रूबरू होते हुए इसकी जानकारी दी। एडीजीपी हिसार रेंज श्रीकांत जाघव ने मैराथन को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। प्रदेश में नशे के प्रचलन से युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य से भटक रही है, गलत दिशा में जा रही है। युवा पीढ़ी को पटरी पर लाने के लिए, प्रदेश में नशा मुक्त बनाने के लिए एडीजीपी हिसार रेंज श्रीकांत यादव ने जिम्मेदारी उठाई है और इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक ट्रस्ट और संस्था का गठन किया है। वे वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर सुबह 6 बजे एडीजीपी श्रीकांत यादव और उनके नेतृत्व में दूसरी विशाल मैराथन पुरुष दौड़ और महिला दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी संस्था के अध्यक्ष दीपक अरोड़ा ने राहुल कामरा ने सोमवार को मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुरुषों की मैराथन में प्रथम विजेता को 31,000 रुपये, द्वितीय को 21,000 रुपये, तृतीय को 11,000 रुपये और चौथे स्थान पर रहने वाले 103 स्थान पर रहने वाले सभी प्रतिभागियों को टी शर्ट दी जाएगी। वहीं महिलाओं को प्रथम विजेता को 11,000 रुपये, द्वितीय को 5,100 रुपये और तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 3,100 रुपये प्रदान किए जाएंगे, जबकि चौथे स्थान पर 103 स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को भी टी शर्ट दी जाएगी। इस मैराथन में भाग लेने वाले 50 साल से अधिक महिला व पुरुषों को प्रथम पुरस्कार के तौर पर 5,100 रुपये की राशि, ट्रॉफी व पहले 100 प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। मैराथन दौड़ में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक नंबर दिया गया है, जिस पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त रहेगा। नंबर है 8803230007। पल-पल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। आज का जो मकसद हमारा यहाँ इकट्ठा होने का वो ये है कि 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन के ऊपर प्रयास फाउंडेशन व शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम से एक मैराथन दौड़ करी जाएगी, जिसमें एडीजीपी श्रीकांत जाघव जी हमारे मुख्य अतिथि है, पहुँचेंगे। उसके अलावा बाब रामदास जी हैं, वो ज्योति प्रज्वलित करेंगे। बिंदु दीदी हैं, वो ज्योति प्रज्वलित करेंगे। उसके अलावा कपास मंडी में ये मैराथन को समापन होगा। उसके बाद वहाँ नशे के खिलाफ संस्था हमारी काम कर रही है और इसका जो मेन मोटिव है वो लोगों को जागरूक करना है, नशे से हम कैसे बच सकते हैं। तो आप सभी से हमारा आग्रह निवेदन रहेगा, इस जो प्रोग्राम में आप सारे पहुँचें और इसको कवर करें। उसके अलावा इसमें जो मैराथन बच्चे भाग लेंगे या जो प्रतिभागी दौड़ेंगे उनके लिए इनाम भी हैं। तो उसके बाद अनाज मंडी में जो है साहब की स्पीच होगी, संबोधन होगा नशे के खिलाफ। इसमें एसपी साहब और डीसी साहब भी पहुँचेंगे और आप सभी से निवेदन है कि उस प्रोग्राम पहुँचें। धन्यवाद। इसका जो है वो हम चलेंगे भगत सिंह स्टेडियम से बस स्टैंड से पुल क्रॉस करके घंटाघर चौक से, फिर उसके बाद आएंगे हम शिव चौक से सागवान चौक से कपास मंडी। समय क्या रहे? समय सुबह 6 बजे का जी मैराथन का, और कपास मंडी का जो प्रोग्राम है वो 9:15 में शुरू करेंगे। आपने कुछ इनाम भी रखे हैं वो? जी, फर्स्ट इनाम 31,000 रुपये का जी, उसके बाद में 21,000 का इनाम है जी, 11,000 और महिला पुरुष दोनों के लिए इनाम है। लेकिन हमने बच्चियों के लिए इनाम अलग से भी रखे हैं। अगर कोई बच्ची मान लो 100 पे आती है तो उसको फर्स्ट इनाम 11,000 रुपये दिया जाएगा, और पहले जो 103 से लेके जितने भी बच्चे उनके लिए टी शर्ट है, 3 से लेके 103 तक। और सीनियर सिटीजन के लिए? उनके लिए भी इनाम है, जिसमें जी 5,100 रुपये महिलाओं और पुरुष के लिए है जी, और 100 सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जिनको भी 50 साल से जो उम्र से ऊपर है जी उनके लिए। ये भगत सिंह जो ट्रस्ट है आपकी, इसके अलावा पहले भी कोई कार्यक्रम कर? बिल्कुल नशे, हम जी 2017 से इसमें काम कर रहे हैं और हमारी संस्था रेगुलर जो है 28 सितंबर और 23 मार्च को प्रोग्राम करती है जी। पहले हम अहमदाबाद में हमने प्रोग्राम किया है जी, एडीजीपी साहब का, उससे पहले डॉक्टर पी जैन थे उनका भी किया है, अरुण मेहरा जी उनका भी किया है प्रोग्राम अहमदाबाद में। लेकिन इस बार हम सिरसा में कर रहे हैं जी प्रोग्राम, प्रयास फाउंडेशन और शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में जी। कितने हमारी संस्था प्रयास संस्था, जिसके फाउंडर एडीजीपी श्री श्रीकांत यादव जी हैं,
नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि प्रयास उन्होंने किया नशा मुक्त हरियाणा के लिए। जो दलदल नशे की हम देख रहे हैं कि हमारा जिला सिरसा बहुत ग्रस्त हो चुका है, हम उनके साथ पिछले काफ़ी साल से लगे हुए हैं। हमारा ये लक्ष्य है कि युवा पीढ़ी को खेलों में डालकर, जिस प्रकार हमने मैराथन का अरेंजमेंट किया, खेलों में डालकर उनको नशे से दूर किया जा सके। आप सबसे ये गुजारिश कि आप अपने माध्यम से इतना ये इस बात का प्रचार कर दें कि युवा साथी जितने भी हैं वहाँ आएँ और उस मंच के माध्यम से हमारे जो श्री श्रीकांत यादव जी हैं उनकी स्पीच सुने कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को सुधार करना है, किस प्रकार उन्होंने इस दलदल से बाहर आना है। और इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति की हमें सहायता की जरूरत है, प्रत्येक व्यक्ति के योगदान की जरूरत है। अकेला पुलिस अफसर या प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, उसमें हम सब की भागीदारी चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी से ही हम इस नशे के दलदल से बच सकते हैं। तो मेरा आप सब साथियों के माध्यम से, युवा साथियों से भी मेरी ये गुजारिश कि कृपया वो वहाँ आकर मैराथन में दौड़ में भाग लें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें और हमारे श्री श्रीकांत यादव जी की स्पीच सुने ताकि हम नशे से मुक्त हो सकें और नशा मुक्त हरियाणा जो सबका सपना है उसको साकार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यूआर कोड दिया है जी। अभी तक जो हम ये समझते हैं 3,000 इसमें जो पार्टिसिपेंट भाग लेंगे कम से कम भी, और 3,000 जो पार्टिसिपेंट लोग करेंगे उसके लिए उनके लिए हमने रिफ्रेशमेंट के लिए दूध और केले की व्यवस्था की है। और इसके अलावा जितने भी मीडिया के लोग हैं या उसके अलावा पुलिस कर्मचारी हैं या जो बच्चे बाहर से आएंगे इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, उनके लिए जो लंगर की खाने की व्यवस्था भी वहाँ की गई है। और लगभग इसमें जो 5-6 लोगों की बैठने की सीटिंग भी हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर के खिलाफ कार्य करिए। उसके अलावा पौधारोपण हो गया, जल अभियान हो गया, उसके अलावा गरीब बच्चों की शादी में भी हमारी संस्था सहयोग करती है। और भी ऐसे कई कार्य हैं जो सामाजिक कार्य हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं उनकी उन पर भी हमारी संस्था काम कर रही है। एडीजीपी श्रीकांत यादव जी के नेतृत्व में संस्था काम करती है, उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं और उनके आदेश से ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं। आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? 2017 से जी, तकरीबन 6-7 हो गए हमें। और इसमें ना हरियाणवी और पंजाबी कलाकार भी आ रहे हैं, जिसमें जो हमारे मुख्य कलाकार जो पंजाबी आ रहे हैं वो कुलविंदर बिल्ला जी पहुँच रहे हैं यहाँ पे, और उसके अलावा अंजलि है 99 एक बेटी हमारे हरियाणा की हैं, और भी कई कलाकार यहाँ पहुँच रहे हैं।